उठकर शुक्रवार के दिन बयान दे। नहीं, अमित शाह जी को बोला था आपने कि आईएसआई जो जांच करने आई है वो मास्टर स्ट्रोक है हमारा। आप पढ़ाएंगे उनको हिंदी? आप उंगली मत कीजिए। आप, मैं आपको समझा रहा हूँ। एंकर बनके सवाल पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। मुद्दे पर आते हैं, मुझसे नहीं। छोड़ दीजिए, आपने बहुत अपना विकास बताया, आपने बहुत फुस बम छोड़ दिया। रुकिए अब जरा। मेनस्ट्रीम मीडिया के डिबेट में बीजेपी नेता ही छाए रहते हैं, एंकर भी उन्हीं का साथ देते दिखाई देते हैं। पर कुछ कांग्रेसी नेता हैं जो एंकर और बीजेपी पर वक्ताओं पर हावी होते देखते हैं कई बार। आज हम बात कर रहे हैं कांग्रेसी नेता आलोक शर्मा की। आज हम आपको उनकी कुछ डिबेट्स दिखाएंगे। न्यूज 18 पर एक डिबेट में एंकर अमीश देवकर ने कांग्रेसी नेता आलोक शर्मा से उन्हीं की पार्टी के नेता पर सवाल किए, जिस पर आलोक शर्मा ने एंकर को मुद्दे से भटकने को लेकर फटकार लगानी शुरू कर दी। बिल्कुल स्ट्रेट सवाल पूछो। केवल नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता है? एक एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड कर लेते हैं। सवाल पूछने लायक नहीं आप जैसे वरिष्ठ एंकर के लिए। नहीं नहीं, मैं प्रवक्ता को जवाब देने का उत्तर है। मैं बोल रहा हूँ नवजोत सिंह सिद्धू किसके नेता? सिद्धू किसके पार्टी के? सवाल पूछने का है क्या? किसके नेता? कांग्रेस के? नवजोत सिंह सिद्धू की निजी राय, कपिल सिब्बल की निजी राय, दिग्विजय सिंह की निजी राय, सलमान खुर्शीद की निजी राय, मणिशंकर अय्यर की निजी राय, सैम पित्रोदा की निजी राय, कितनी निजी राय? मुझे केवल ये बता दीजिए, अमित शाह जी ने आईएसआई को पठानकोट में जांच के लिए बुलाया था, क्या बीजेपी माफी मांगेगी पूरे देश से? क्या ऐसे सालूवालियों को पार्टी से बाहर किया जाएगा? क्या शिवसेना से गठबंधन तोड़ा जाएगा? आप केवल आप लोगों का एक सूत्री कार्यक्रम है कि किस तरह से कांग्रेस को घेरा जाए। सैम पित्रोदा के बयान से ना मैं सहमत हूं ना मेरी पार्टी सहमत। पित्रोदा को मैंने बोला था सुबह सुबह उठकर शुक्रवार के दिन बयान दे। नहीं, अमित शाह जी को बोला था आपने कि आईएसआई जो जांच करने आई है वो मास्टर स्ट्रोक है हमारा। आईएसआई पहली बार जांच करने आई है पठानकोट में, ये मास्टर स्ट्रोक है, आपने बोला था उनको। आज तक पर मोदी जी के मुद्दे पर डिबेट हुई। इस डिबेट में बीजेपी नेता गौरव भाटिया और आलोक शर्मा के बीच तीखी बहस हुई। आलोक शर्मा ने गौरव भाटिया से देश में एक यूनिवर्सिटी का नाम पूछा। आप देखिए गौरव भाटिया का जवाब। सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम बताइए छत्तीसगढ़ में, जो बनाइए मोदी जी। आपको सारे नेशनल लॉ नाम बताइए ना। छत्तीसगढ़ के सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी का नाम बताइए या देश की जनता से माफी मांगिए। तो आप या देश की जनता से माफी मांगिए। मुझे चार चीजें बोली मोदी जी ने, सबको झूठ बोलना सिखा दिया। आईटी सब झूठ बोलने लगे। नेशनल लॉ स्कूल और सेंट्रल नेशनल लॉ स्कूल राहुल गांधी से पूछिए। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी एनएलयू कहाँ पे है? एनएलयू से प्रवक्ता ना बनिए। एनएलयू अटल जी के टाइम में घोषणा हुई और मनमोहन सिंह जी के टाइम पे बनी। मुझे छत्तीसगढ़ का एक यूनिवर्सिटी का नाम क्या? छोड़ दिए, पूरे हिंदुस्तान की एक यूनिवर्सिटी का नाम बताइए जिसकी नींव मोदी जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ने लग गए हो। मुद्दे पर आते हैं, मुझसे नहीं। छोड़ दीजिए, आपने बहुत अपना विकास बताया, आपने बहुत फुस बम छोड़ दिए। रुकिए अब जरा। देखिए रायपुर में क्या बोल आपने बोल दिया ना, आपने बोल दिया और राहुल आपने बोल दिया ना। चलिए थोड़ा सुनिए, नहीं आपके पास शब्द नहीं है, थोड़ा सुनने का धैर्य रखिए। देश अब सुनाएगा आप। जी न्यूज पर सीबीआई के मुद्दे को लेकर डिबेट में आलोक शर्मा और बीजेपी नेता के बीच बहस में एंकर बीजेपी का पक्ष लेते नजर आए, जिस पर आलोक शर्मा ने एंकर को टोक दिया। जी न्यूज पर ही चल रहा था, उतर गया। अखिलेश यादव जी ने जेपीसी की मांग की है। नागेश्वर राव जी को कहो थोड़ा हिंदी सीख ले। सर अनुराग भदौरिया को? नहीं नहीं नहीं, मैं कह रहा हूँ इनसे पूछ लीजिए जरा। नागेश्वर राव जी से चश्मा लगा के पत्रकारों को आप जैसे गाइड कर रहे हैं उनकी सुन लीजिए जरा क्या कह रहे हैं। वो टॉपिक पे रहिए और किसी पैनलिस्ट का अपमान कोई बात नहीं, आप उंगली करके बात मत कीजिए। आप एंकर हैं सर, आप एंकर हैं, एंकर की तरह रहिए। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आप उंगली करेंगे मैं पैनलिस्ट की तरफ हाथ भी बढ़ाऊंगा। आप पढ़ाएंगे उनको हिंदी? आप उंगली मत कीजिए। आप, मैं आपको समझा रहा हूँ। एंकर बन के सवाल पूछिए, मैं उत्तर दूंगा। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे हम लोग। आप मेरे पैनलिस्ट का अपमान नहीं करेंगे। आपको समझा रहा हूँ, आज के बाद जी न्यूज़ के खिलाफ समझा रहा हूँ। उंगली करके बात मत कीजिए। आज के बाद ZNCL के खिलाफ सोचकर बोलिएगा। मैं अभी बोल रहा हूँ कि जी न्यूज़ पूरी तरह से बीजेपी का मुखौटा बन गया। सर मैं आपको फिर समझा रहा हूँ। न्यूज 18 पर नौकरियों के मुद्दे पर एक डिबेट में एंकर ने प्रधानमंत्री के बयानों को कोट किया और संबित के सवालों का जवाब देने को कहा। तब आलोक शर्मा ने बीजेपी की जमकर आलोचना की और प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नौकरियों की कोई कमी नहीं है, मापदंड जो है, जो मापने का सिस्टम है उसको दुरुस्त होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, चार साल से मापने का सिस्टम दुरुस्त नहीं था, इसलिए नौकरियां जो है, नौकरियां तो बहुत थी लोगों के पास, लेकिन केवल मापने का सिस्टम गलत था। आप बताइए कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर उद्योग बढ़े हैं या कौन सा उद्योग ऐसा है जिसके अंदर नौकरियां बढ़ी हैं? आपके पास कोई उत्तर नहीं है। आज का मुद्दा सबसे पहला जो GST वाला आया है, देखिए जब GST हम लागू कर रहे थे तो भाजपा कहती थी कि ये पूरा फेडरल स्ट्रक्चर पर चोट मार देगा। सुनिए ना अमीश भाई,
अमीश भाई मैं बता रहा हूँ ना, आरएसएस भी अनप्रिपेयर्ड होकर स्टेटमेंट देती है, इसीलिए जीएसटी भी अनप्रिपेयर्ड होकर इन्होंने लागू किया। आरएसएस की गतिविधियां भी हमेशा संदिग्ध रहती है, लोगों के समझ नहीं आती हैं। आज जो सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उनको जीएसटी नहीं समझ आ रहा है, आरएसएस भी देश को कुछ नहीं देती है और जीएसटी के स्लैब से भी कहीं रिफंड नहीं मिल रहा है, इसलिए जीएसटी को आरएसएस से कंपेयर किया गया। ये थे कांग्रेसी नेता लोक शर्मा जो अपने तीखे तेवर के लिए जाने जाते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि विपक्षी नेता ऐसे ही सरकार की नीतियों पर सवाल करते रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। Channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.